हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगे का समाचार ये है कि आज एक हम ऐसी घटना आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि स्वयं सच्ची है, मेरी अबीती है, मेरे पर बीत रही है। वही घटना हम बिजली विभाग वालों के विषय में बात करनी चाहेंगे। जिस वक्त से हमने लाइट ली थी उस रोज से ही हम दुखी हो चुके थे और दुखी इतने हो चुके थे कि हम बताएं तो बताएं क्या। दो बल्ब का 2600 रुपए चार्ज, जब से लाइट ली थी तब से आज तक का भुगतान मुझसे किया जा रहा था। तीन साल की लड़ाई जबरदस्त चलती रही बिजली विभाग वालों से भारत वीर की, आमने सामने की टक्कर है और ये टक्कर बड़ी अद्भुत टक्कर पड़ रही कि बिना हाथ लगाए मीटर कैसे होता है ठीक, दो बल्ब का चार्ज 2600 रुपए कैसे निकाला जाता है और बिना हाथ लगाए मीटर वही के वही कैसे ठीक हो जाता है और उसमें से 330 रुपए का बिल कैसे निकाला जाता है। ये सच्ची घटना आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको YouTube चैनल पर मिल रही है। भारत वीर पिंचर वाले के नाम से बारी बारी वीडियो आती है, बहुत अच्छे सुंदर सवाल जवाब लेकर के आती है। कोई भी सवाल उनके अंदर गलत नहीं होता, जो भी कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। यहाँ कोई झूठी अफवाह नहीं चल रही है, लाइक चल रहा है। आपने देखा होगा कि बिना दवाई के मरीजों को ठीक किया जाता है भगवान की शक्ति से, हम तो सिर्फ उनका नाम लेते हैं। लेकिन ऐसे ही भारत वीर को कर दिया बिजली विभाग ने बदनाम, तो दोस्तों बिजली विभाग को तो सजा मिलनी चाहिए कि भारत वीर को कैसे करते हैं बदनाम और बिना हाथ लगाए मीटर कैसे होता है ठीक। तीन साल की लड़ाई चलने के बावजूद बिना हाथ लगाए मीटर कैसे होता है ठीक, वही का वही मीटर कैसे ठीक हो जाता है तीन साल बाद और उसके अंदर से 330 रुपए का बिल भी निकाला जाता है। तो दोस्तों ये पूछने वाला सवाल आ लिया है नाजीम भाई और जय साहब से, और जो वो बच रहे ना अभी हमारे से, हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज पहुंच रही हो तो वो बिल को निकाले, जो मीटर में से बिल निकाला जाता है वो हमारे पास पहुंच करके मीटर का बिल निकाले और अपना भुगतान तुरंत करा लें।